हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंटरव्यू प्रोसेस, कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो इंटरव्यू होता है उसका क्या प्रोसेस है और एमटी क्या होती है और इसे किस तरह किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले। तो पहले हम बात करते हैं एमटी। एमटी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं। ये कैसे होती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 2 साल की होती है और इसको हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो हमने लेवल अपना 5 या 10 साल में अचीव करना होता है वो आप 2 साल में अचीव कर सकते हो। जैसे आप एज ए मैनेजर, एज ए टू शेफ, एज ए कैप्टन, तो ये आप 2 साल में अचीव कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको कैसे करना होगा। जब आप 3 साल के 4 साल की डिग्री कर रहे होते हो कॉलेज में, तो कॉलेज में आपके कॉलेज में कैंपस लगा होता है, कैंपस प्रोग्राम। जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो उसमें आपको जाना होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है और आपको बताना होता है अपने जो कॉलेज के जो आपके टीचर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए कि ये जो यहाँ पे प्रोग्राम लगा है तो मुझे 2 साल का जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी है। तो वही आपको उस प्रोग्राम में भेजते हैं और फिर आपको वहाँ पर एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपका एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट जो होता है वो रिटर्न टेस्ट होता है। उसमें आपसे जनरल क्वेश्चन और जो आपने 3 या 4 साल में जो भी आपने स्टडी की है उससे रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं और आपकी नॉलेज में जैसे F&B के कोई क्वेश्चन पूछ लिए, कोई फ्रंट ऑफिस के पूछे जाते हैं, तो वो रिटर्न टेस्ट होता है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, ये कम से कम 100 बच्चों का होता है, 100 स्टूडेंट्स का होता है, उसमें से कम ही बच्चे उसमें पास होते हैं। तो इसमें पास होने के बाद फिर आपको एक इंटरव्यू और होता है। जैसे आपका एक ग्रुप बना दिया, 6 या 7 जनों का ग्रुप बना के फिर आपसे आपके बारे में पूछा जाता है। एक एक करके ग्रुप बनाया जाता है और फिर उस ग्रुप में आपसे आपके बारे में, आप ये ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हो, आपका क्या ड्रीम है, तो ये सब आपसे पूछे जाते हैं, आपके पर्सनली क्वेश्चन। तो जब ये इसमें आप पास हो जाते हैं फिर आपको HR में भेजा जाता है, फिर HR आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये थर्ड। तो जब आप HR में जाते हैं तो HR में आपसे सारा कुछ पूछा जाता है, जैसे आपके बारे में, आपकी आपकी ग्रूमिंग देखी जाती है, आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है, तो हर चीज़ वो देख के अगर उसमें पास हो जाते फिर आपका एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है। फोर्थ, जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें भी आपको देखा जाता है। ग्रुप डिस्कशन में तो कोई भी एक टॉपिक दे देते हैं जनरल, जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ दे दिया या फिर कोविड के ऊपर, जैसे आजकल कोविड ज़्यादा चल रहा है, इसके बारे में आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और फिर आपको 15 मिनट का टाइम दे दिया जाएगा ताकि आप उसमें रिवाइज कर लिए और अपने अपने कुछ अच्छे पॉइंट्स बना लीजिए। फिर आप उसमें बातचीत करते हो और फिर आपका देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, कितना अच्छा बोल रहे हो, और आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है और आपका ये भी देखा जाता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। तो ये सब देख के फिर अगर आप उसमें पास हो जाते हो फिर आपको एक HOD के पास भेजा जाता है, जो हमारे जैसे आप जा रहे हो किचन में तो एग्जीक्यूटिव शेफ से आप मिलेंगे और आपको वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप किससे, जैसे आप शेफ के लिए जा रहे हो तो आपसे कलनरी के लिए रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे बॉइलिंग क्या होती है, मेथड वगैरह के बारे में पूछेंगे, ग्रेवी के बारे में पूछेंगे, तो ये कलनरी टर्म्स आपसे सिंपली आपसे पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे जो जो आपने कॉलेज में सीखा है, जैसे बॉइलिंग क्या हो गई और रोस्ट किसको कहते हैं, ड्राई रोस्ट किसको कहते हैं, कट के नाम पूछेंगे कि कौन कौन से कट होते हैं। मान लीजिए आपसे वेजिटेबल्स कट पूछ लिए या फिर आपसे नॉन वेज के जैसे चिकन के, मटन के, इनके कट पूछ लेंगे, कुछ भी वो आपसे कलनरी के रिलेटिव भी आपसे पूछेंगे, ग्रेवी क्या होती है, सॉसेस क्या होती है, सॉस क्या होती है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। जब आप उसमें पास हो जाते हो फिर आपको GM के पास भेजा जाता है। GM मीन्स जनरल मैनेजर। तो जब आप जनरल मैनेजर के पास जाते हो तो फिर ये मैं बता रही 6 पॉइंट आता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर पर जब आप जाते हो तो वो आपसे सारे क्वेश्चन पूछते हैं उसी से रिलेटिव, ये जिस फील्ड में आप जा रहे हो। मान लीजिए अगर आप
फ्रंट ऑफिस में जा रहे थे, फ्रंट ऑफिस के रिलेटिव भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउसकीपिंग में जा रहे हो, हाउसकीपिंग के रिलेटिव भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। F&B सर्विस में जा रहे थे, F&B सर्विस के रिलेटिव भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपका इंट्रोडक्शन होएगा, फिर आपसे पूछ जाएगा आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो बता। अच्छा, अगर आप सर्विस में जा रहे हो तो आपसे टेबल सेटिंग के बारे में पूछा जाएगा कि वाइन कैसे सर्व करते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि रेड वाइन का प्रोसेस क्या है और रेड वाइन को कैसे सर्व करते हैं, हॉट या चिल्ड वाइट वाइन, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि वाटर कैसे सर्व करते हैं। ये सब अगर आप हाउसकीपिंग के उसमें जा रहे हैं तो हाउसकीपिंग के बारे में पूछा जाएगा कि क्लीनिंग क्या होती है, क्लीनिंग का क्या प्रोसेस है, टास्क क्या होता है, और जो क्लीनिंग का केमिकल्स हैं, केमिकल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से केमिकल किस में काम आते हैं। फिर अगर आप फ्रंट ऑफिस में जा रहे हैं तो वही क्वेश्चन आपसे फ्रंट ऑफिस के पूछे जाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो ये चेकआउट क्या होता है, चेक इन क्या होता है, आपका जो GM से इंटरव्यू होता है, GM आपका बारे में सारा कुछ पूछता है। फिर उसमें जब आप पास हो जाते हैं तो उसमें से जो कुछ स्टूडेंट्स बचते हैं फिर उनको एक PL राउंड पे भेजा जाता है, चाहे वो कंपनी का ODC हो या फिर जो भी उनके पास भेजा जाता है। फिर आपको उनके बारे में वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, फिर अगर आप उसमें पास हो जाते हैं फिर आपके पास HR के थ्रू एक लेटर आता है कि आपको सिलेक्ट कर दिया गया है, अब आप ट्रेनिंग पे आ सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप पास हो चुके हो। तो फिर आप होटल में जाते हो, फिर आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर तरीके से, आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, चाहे आपको बेसिक आता हो बट आपको स्टार्ट ही बेसिक से ही करेंगे, जैसे कुमी थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड CDP DCP फिर जूनियर सब, ये सब आपको बताया जाएगा और वहीं के जो होते हैं सीनियर वही आपको सिखाएंगे। तो फिर आप 2 साल में आप सीख जाते हो, और बीच बीच में आपसे HR वाले जो हैं वो आपसे इंटरव्यू आपसे पूछते भी रहेंगे कि आपने क्या क्या सीखा, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपका बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहेंगे, मीन्स टेस्ट लेते रहेंगे आपका। और टेस्ट ये नहीं कि आपसे रिटर्न वाला लेंगे, वो आपसे ओरल टेस्ट भी ले लेते हैं, या फिर एक शीट होती है जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से 1 का आपको आंसर देना होता है, तो ऐसा टेस्ट होता है। फिर उसमें आप बीच बीच में उसमें तो आप पास हो ही जाते हो क्योंकि आप सीख रहे हो, तो बस फिर आप 2 साल में एक एज ए मैनेजर या सूस शेफ या एज ए कैप्टन आप बन जाते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।